Hi guys, this is me Amita and I welcome you all to my creative world. So I'm very excited for this video as this is my first ever full-fledged YouTube video. Before this I was just uploading shorts and जैसे कि हम सब जानते हैं किसी भी काम की शुरुआत से पहले हम गणपति बप्पा का नाम लेते हैं. So I thought why not to make a Ganesha painting and in this video I'm going to make an abstract Ganesha painting. Hope आपको पसंद आएगा. गणपति बप्पा मोरिया. विदाउट फर्दर अडू लेट्स गेट इनटू द वीडियो. सो सबसे पहले मैं यहाँ पे रफ स्केचिंग कर रही हूँ. मुझे क्या एग्जैक्टली बनाना है मैं उसकी एक रफ स्केचिंग कर लूँगी कैनवस बोर्ड पे. मैंने ये पेंटिंग कैनवस बोर्ड पे की है. इफ़ यू गाइस डोंट हैव कैनवस बोर्ड सो आप सिंपल नॉर्मल A4 साइज शीट भी ले सकते हो. सो मैं यहाँ पे थोड़ा सा नॉर्मल से हट के कुछ डिफरेंट डिज़ाइन कर रही हूँ. तो अभी यहाँ पे मेरी स्केचिंग डन होती है. आई विल स्टार्ट विद ऑरेंज कलर. मैं सबसे पहले ऑरेंज कलर से स्टार्ट करूँगी. तो मैं यहाँ पे एक्रेलिक पेंट का यूज़ कर रही हूँ. इफ़ यू आर अ बिगिनर तो आप नॉर्मल वाटर कलर से भी यूज़ कर सकते हो एंड अगर आपको वो डिज़ायर रिजल्ट मिल जाता है तो यू कैन गो फॉर एक्रेलिक पेंट्स एज वेल. यहाँ पे आफ्टर पेंटिंग ऑरेंज मैं थोड़ा सा ऑरेंज में ब्राउन मिक्स करके एक डार्कर शेड बनाया था मैंने एंड उसी डार्कर शेड्स को लेकर के मैं यहाँ पे थोड़ा सा शेडिंग का इफ़ेक्ट दे रही हूँ. पेंट करने के बाद मैंने एक ड्राई ब्रश लिया है, राउंड ड्राई राउंड ब्रश लिया है एंड उसको उन पेंट्स पे मिक्स कर दूँगी सो दैट वो शेडिंग का इफ़ेक्ट आ जाए एंड एट लास्ट मैं थोड़ा सा और डार्कर शेड को यूज़ करके शेडिंग दे रही हूँ. इसके बाद जो फोरहेड के पास ऑरेंज कलर यूज़ किया था सेम कलर आई एम यूजिंग हेयर एज वेल एंड देन फिर लास्ट में मैं डार्क ब्राउन शेड का यूज़ करके करूँगी. एंड अगर कैनवस बोर्ड पर आप पेंट कर रहे हो डोंट फॉरगेट टू पेंट ऑन साइड्स एज वेल क्योंकि अगर आप सिर्फ ऊपर ऊपर पेंट करोगे और साइड में पेंट नहीं करोगे तो ट्रस्ट मी वो बहुत गंदा लगेगा. So always remember to paint on sides as well. इसके बाद मैं ये पिंक कलर ले रही हूँ, मजेंटा पिंक कलर एंड अभी मैं पिंक और ऑरेंज को यहाँ पे मिक्स कर रही हूँ. हैंड से मैंने मिक्स किया था बिकॉज मुझे वो थोड़ा सा सही लगता है एंड वो प्रॉपरली मिक्स हो जाता है. इफ़ यू वॉन्ट आप ब्रश से भी कर सकते हो, इट टोटली अप टू यू. After that, I've used purple color यहाँ पे and then नीचे थोड़ा सा और shading effect देने के लिए मैंने pink color use किया है and then again मैं hand से और brush के help से दोनों colors को mix कर दूँगी so that वो अलग अलग ना लगे. And यहाँ पे I have used lavender shade and then थोड़ा सा pink लिया है, दोनों को mix कर दिया है. आफ्टर दैट मैं यहाँ पे रेड कलर का यूज़ कर रही हूँ अंदर के साइड एंड रेड के बाद मैं थोड़ा सा डार्क मरून शेड लूँगी सो दैट वो शेडिंग इफेक्ट आए. यहाँ पे आई हैव यूज दैट डार्क मरून शेड टू गिव इट लिटिल बिट इफेक्ट शेडिंग इफेक्ट एंड उसके बाद फिर हम ट्रंक के लिए यूज़ करेंगे पिंक एंड पर्पल. सो हाफ पोर्शन में मैंने पिंक यूज़ किया है. इसके बाद आई विल यूज लैवेंडर कलर एंड देन बीच में ड्राई ब्रश की हेल्प से इसको मिक्स कर देंगे एंड इसके बाद मैंने यहाँ पे थोड़ा सा ब्राउनिश शेड लिया है
नीचे के साइड मैं ग्रीन लूंगी एंड देन उसके नीचे फिर थोड़ा सा डार्क ग्रीन यूज करूंगी टू गिव दैट शेडिंग इफेक्ट. हेयर आई एम यूजिंग डार्क डीप ग्रीन कलर, सी ग्रीन. टॉप पे अगेन आई एम यूजिंग ब्राउन एंड ऑरेंज कलर. एंड यहाँ पे हमारा फर्स्ट हाफ कंप्लीट होता है. एंड मैंने यहाँ पॉइंटेड ब्रश की हेल्प से इसको आउटलाइनिंग कर लूँगी. रिमेंबर दिस इज नॉट द फाइनल आउटलाइनिंग, फाइनल आउटलाइनिंग हम लास्ट में करेंगे. इट्स जस्ट दैट कि हमें वो फाइनल बेस मिल जाए, आइडिया हो जाए व्हाट एग्जैक्टली वी आर पेंटिंग. सो इट्स इसलिए मैं यहाँ पे अभी आउटलाइनिंग कर रही हूँ. ये इतने में ये इतना प्यारा लग रहा है, ट्रस्ट मी गाइज, ये एंड में और ज़्यादा प्यारा लगेगा. सो डू नॉट स्किप दिस वीडियो, एंड तक ज़रूर देखना. अभी यहाँ पे दूसरा लेग बनाऊंगी सेम ग्रीन एंड डार्क ग्रीन कलर का यूज़ करते हुए. कलर कॉम्बिनेशन वैसे तो आप कुछ भी यूज़ कर सकते हो, बट माय रिकमेंडेशन वुड बी कि आप ये ही कलर कॉम्बिनेशन यूज़ करो, बिकॉज़ इसमें डार्क लाइट और जो भी शेड्स यूज़ करे हैं वो बहुत परफेक्टली यूज़ करे गए हैं. तो आई विल रिकमेंड कि आप इसी को यूज़ करो. दीज आर वेरी बेसिक शेड्स. आप इसमें ये लैवेंडर कलर, आप नॉर्मल बेसिक पर्पल में ढेर सारा वाइट मिक्स करके यू कैन यूज़. यहाँ पे आई हैव यूज थ्री शेड ऑफ पर्पल, लाइट एंड देन डार्क एंड सबसे लाइट. इसके बाद यहाँ पे मैं ब्लू कलर का यूज़ करके शेडिंग करूँगी. आफ्टर दैट यहाँ पे लाइट ग्रीन एंड अगेन डार्क ग्रीन यूज़ करूँगी मैं. यहाँ पे किसी भी पोर्शन में इफ यू नोटिस्ड सिंगल कलर नहीं यूज़ हुआ है, शेडिंग हर जगह दी गई है. तो वो उससे और ज़्यादा ब्यूटिफुली वो निखर के आ रहा है. एंड हेयर आई हैव यूज्ड रेड कलर. इसके बाद बैकग्राउंड पे मैं ग्रे कलर यूज करूँगी. अगेन साइड्स पेंट करना मत भूलना. एंड यहाँ पे फिर फाइनल टच देते हुए मैं पूरा आउटलाइनिंग एक बारी फिर से कर दूँगी. आप को जहाँ जहाँ मोटा रखने का मन हो आप मोटा रख सकते हैं. मैंने कुछ कुछ जगह पे इफ़ यू विल नोटिस थोड़ा सा थिक कर दी है आउटलाइनिंग. ये मुझे अच्छा लग रहा था तो मैंने थिक कर दिया कहीं कहीं जगह पे, और बाकी जगह पे आई केप्ट इट नॉर्मल. दैट्स हाउ यू ऑल्सो हैव टू डू. उसके बाद एट लास्ट मैं स्मॉल टिप ब्रश की हेल्प से आईज बनाऊंगी. एंड यहाँ वाइट से हाईलाइट भी कर दूंगी. एंड उसके बाद हम लास्ट में वार्निश करेंगे. जब भी आप एक्रेलिक पेंट्स करते हो, ऐसे कैनवस पेंटिंग, डू नॉट फॉरगेट टू वार्निश, बिकॉज वार्निश हेल्प्स आर पेंट फ्रॉम डस्ट. एंड आपकी पेंटिंग चिप नहीं होगी, ख़राब नहीं होगी. सो डू यूज़ वार्निश. सो गाइज, बताइए आपको कैसा लगा. आई होप आपको पसंद आया होगा. अगर पसंद आया हो, डू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड डू कॉमेंट आपको सबसे ज़्यादा क्या अच्छा लगा. गणपति बप्पा मोरया.